जाएगा और इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? नहीं, ILBS हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था, जो कि उनके रूटीन चेकअप का है, और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है। तो अभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे, उसके बाद वहां से 2 बज सकता है 3 बज सकता है, वहां से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहां से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है, और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येन जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें, क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जब वो तीनों भाई आ जाएंगे फिर चारों लोग मिलके हम लोग जश्न भी मना सकते हैं और उत्सव भी कर सकते हैं। हमने देखा कि बीते 6 महीने से जब संजय सिंह जी जेल के पीछे थे, ये तमाम चीजें झेल रहे थे, तो आप मजबूती से खड़ी थी उनके पीछे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो या फिर संजय सिंह जी के लिए आवाज बुलंद करना हो, आप लगातार मजबूती से खड़ी रही थी। तो इस बीच कैसे देखा जाए, संजय सिंह जी की ढाल बनकर के आप खड़ी थी, बीच में राज्यसभा के भी चुनाव हुए, नामांकन हुए, उस बीच में भी आपने तमाम चीजों का मैनेजमेंट किया गया, तो पूरा ये कैसे घटनाक्रम इसको याद करती? नहीं, ठीक है, एक यूपी में कहावत है कि काले बादल आते हैं फिर वो छट जाते हैं, तो हो सकता है संजय जी के ऊपर काले बादल थे जो आज छट गए, और राज्यसभा में उनको दोबारा मनोनीत भी किया गया और उन्होंने शपथ भी ले ली है। और रही बात राजनीति की, तो जो न्यायपालिका ने जो कल उनको राहत दी है, तो मुझे उम्मीद है न्यायपालिका से कि जो मेरे 3 भाई और हैं उनको भी जल्दी से जल्दी रिलीज करे, राहत दे, जैसे मैं न्यायपालिका का बहुत शुक्रिया करती हूँ। संजय सिंह आज 4 बजे तक वो बाहर आ सकते हैं, तो उसके बाद का उनका क्या कुछ रुख रहेगा? जिस तरीके से वो दहाड़ते थे सदन के भीतर, और अब तो लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव में उनका किस तरीके से रोल रहने वाला है? और अगर हम देखें तो कल कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया था कि उनकी मीडिया में जिस तरीके से वो बयान देते हैं उस पर कहीं ना कहीं उनको लिमिट करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे उनको ऊपर क्या दायित्व दिया जाएगा, उस हिसाब से वो अपना काम करेंगे। अब जो भी निर्देश मिला है उसके हिसाब से वो उसका पालन करेंगे, और एक राजनीतिक होने के नाते वो जो उनके अंदर है उसको तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, जितना भी है वो पूरा सपोर्ट करेंगे पार्टी को। आपका परिवार और एक पत्नी के रूप में आप इन बीते 6 महीनों के रूप को कैसे देखती हैं, और कितना महत्वपूर्ण रहता है ये, अगर कोई व्यक्ति जेल में है और वो राजनीतिक तौर पर इतना एक्टिव रहा है, तो एक परिवार के रूप में कितना चुनौती रहती है? तमाम लोग आक्षेप भी लगाते होंगे, सवाल खड़ा करते होंगे, कुछ लोग अपनी मदद फरियाद लेकर के पहुंचते होंगे, कितनी चुनौती रहती है? मेरे घर पे जैसे पहले भी कार्य होते थे, मरीजों के इलाज होते थे, और जो भी छोटे मोटे काम आते थे वो 6 महीने भी हुए, वो काम रुके नहीं। संजय जी जेल में भी थे लेकिन उनकी आत्मा सोशल काम में, किसी की मदद करना है वो वकील के द्वारा किसी न किसी के माध्यम से वो काम को बताते थे और वो काम हम लोग करते थे। आज आपका परिवार और आप कितना खुश हैं, बस यही बता दीजिए। देखिए, खुशी की तो बात है लेकिन खुशी अभी अधूरी है, अभी हमारे 3 भाई अंदर हैं, वो बाहर आ जाएंगे तो हो सकता है हम लोग की खुशी चौगुनी हो सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।